नमस्कार, स्वागत है एक बार आप सभी का। और सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी सावन के महीने की। और जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं, हम सभी 7 ग्रहों और 27 नक्षत्रों से पूरी तरह से प्रभावित हैं। तो आज मैं फिर से आपको एक बार वेलकम करती हूँ अपने सरल वास्तु की YouTube वीडियो पर। और जैसे कि लास्ट टाइम हमने पिछली बार बात की थी, जैसे मैंने आपको समझाया था कि हम किसी भी प्लॉट को 360 डिग्री में बांट कर फिर उसके हम 16 टुकड़े कर लेते हैं। और हमने बात की थी यानी कि 0 से आगे 45 डिग्री पर हमने ईशान की बात की थी, जिसके देवता है भगवान शिव और जिस ग्रह का वहां प्रवास है वो है गुरु ग्रह। तो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, इस दिशा में टॉयलेट तो हम नहीं बना सकते, नहाने का बना सकते हैं और हम अंडर वाटर टैंक भी यहाँ बना सकते हैं। तो ये सुविधा आप यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ तक हमारी जल तत्व का इस दिशा में वास है। तो आइए आज बात करूंगी मैं आपसे पूर्व दिशा की, यानी 45 से जब आगे आप बढ़ेंगे और 45 डिग्री तो वहां पर आपको अपने प्लॉट पर मिलेगी पूर्व दिशा। जैसे मैंने आपको कहा भी था, आप अपने घर की छत पर जाइए और पूर्व दिशा जहां से सूर्य उदय होता है वहां से आप एक हल्का सा अपना नक्शा बनाकर अपनी पूर्व दिशा को निकाल लीजिए। तो पूर्व दिशा वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा के जो स्वामी है वो है इंद्र और जिस ग्रह का वास है वो है सूर्यदेव। यानी सूर्य ग्रह को पूर्व दिशा का स्वामी माना गया है। और पूर्व दिशा में जो तत्व पाया जाता है वो है वायु तत्व, और वायु तत्व का रंग है हरा। यानी इस दिशा में हरियाली वगैरह ज्यादा रखने से आपको ज्यादा वायु तत्व मिलेगा, क्योंकि प्राण ऑक्सीजन जितनी हमारे शरीर में जितने हमारे घर में अच्छे से आएगी उतनी ही ज्यादा हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसमें आपको मैं बताना चाहूंगी कि पूर्व दिशा से हम सामाजिक संपर्क बनाते हैं, अपने मीटिंग्स भी करते हैं अच्छे अच्छे, यानी कि जो सरकारी पदों पर राजनीतिक स्तर पर जो अच्छे ऊंचे पदों के लोग हैं उनसे भी संपर्क बनाते हैं। अगर ये इस दिशा आपके घर में संतुलन में है तो घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आपके मन में यानी हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की एक हमेशा एक चाह या उत्साह आपके अंदर बना रहता है और आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि खुद ब खुद लोग आपके संपर्क में आना शुरू कर देते हैं। और आप अपना जो एक हमारा नेटवर्क है सामाजिक तौर पर अपने बिजनेस को बढ़ाने का, अपने कार्य व्यवसाय को करने का, तो वो इसी दिशा की जिम्मेवारी है। यानी मीटिंग्स लेना, कॉल्स लेना, नेट के थ्रू लोगों से कनेक्ट करना, तो ये वाली हमें शक्तियां पूर्व दिशा से ही मिलती हैं। तो ये हुआ, संतुलन में जब होती है तो इस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। और जिस घर में पूर्व दिशा संतुलन में नहीं होती तो वहां पर हाँ उस घर के लोगों में अनावश्यक गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पड़ोसियों से कहा सुनी या मीन मेक निकालना या समाज से एक अलग ही तरह का जैसे द्वेष रखना, समाज से बहुत सारी शिकायतें रखना, तो इस तरह की कुंठा में वो लोग मिलेंगे जिनकी घर की पूर्व दिशा दूषित होती है या वहां पर वो कार्य हो रहा है जो उस दिशा में नहीं होना चाहिए। और पूर्व दिशा असंतुलन में होने पर आपको गठिया, बाय के जोड़ों के दर्द की परेशानी, डिप्रेशन की परेशानी और मेमोरी के लॉस होने की भी परेशानी आती है। अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो आप जाइए चेक करिए अपने घर की पूर्व दिशा को। अब यहां पर उपाय के तौर पर, समाधान के तौर पर मैं आपको 2 उपाय बताना चाहूंगी कि आप जिस घर में बच्चे या कोई भी आपका कहना ना मानते हो या अनुशासन में ना रहते हो तो आप एक उगते हुए सूर्य का मेटल में या किसी फोटो फ्रेम में अच्छे हंसते हुए चेहरे से एक सूर्य देव का फोटो ले सकते हैं और उसको पूर्व दिशा में रखेंगे जिससे कि वो घर की पश्चिम दिशा को देखे। इसको लगाना है 7 फीट की ऊंचाई पर, यानी पूर्व दिशा की दीवार पर आप इसको 7 फीट की ऊंचाई पर लगाएं। दूसरा उपाय इसमें ये है कि आप इस दिशा के देवता इंद्र को, यानी इंद्र को भी इस दिशा में आप एक फोटो में ले लें या मूर्ति की छोटी सी फॉर्म में ले लें और किसी भी स्टूल पर आप अपने घर में रखें, इस दिशा में रखें यानी पूर्व दिशा में रखें जो कि पश्चिम को देखें, तो ये आपके सामाजिक कार्यों में, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में, आपके सामाजिक सहयोग में, सरकारी कार्यों में सफलता के लिए आपके लिए सहायक बनेंगे। बस थोड़ा सा ये जरूरी है कि आप 90 डिग्री अपने घर की निकालें
और उसके अराबर बराबर का जो आपका 5-5 डिग्री का जो एरिया आ रहा है वहां पर ही इस उपाय को आप करिए। और अगर खिड़की है तो खिड़कियां रोज जरूर खोलिए, दरवाजा है तो जरूर खोलिए, जिससे उगता हुआ प्रत्यक्ष सूर्य भी अगर आपके घर में प्रकाश आता है तो ये भी पूर्व दिशा की रेमेडी अपने आप हो जाती है। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो था फिर नए नेक्स्ट दिशा के हम संतुलन असंतुलन और उपाय के साथ मिलेंगे। और एक मैं आवश्यक सूचना आपको देना चाहूंगी कि प्रत्येक शनिवार को रात 9 से 10 यानी कि प्रत्येक शनिवार को 11 से 1 आपको मैं फोन कॉल से फ्री कंसल्टेंसी दूंगी, और इतवार को हम यानी मैं आपको YouTube के मेरे लाइव चैनल पर आपको मिलूंगी, जिसमें हम टाइम रखेंगे 9 से 10। उस समय भी मेरे से कोई जन्म पत्री की डायरेक्ट फ्री कंसल्टेंसी लेना चाहता है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें एस्ट्रो अनीता सिंह, और मेरा फेसबुक पेज एस्ट्रो अनीता सिंह जरूर इसको फॉलो करिए, और आप भी अपनी छोटी छोटी समस्याओं की सका समाधान मेरे से लीजिए, और जीवन में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।